सिहावा नगरी विकास खंड ग्राम बेलरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफी जर्जर हो चुका है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण हुए लगभग 35 से 40 साल का समय हो चुका है। कई बार मरीजों के इलाज करते दौरान लेंटर के प्लास्टर भी गिर चुके हैं, जिससे मरीजों को हमेशा डर सताया रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। बरसात के दिनों में भवन के अंदर ही पानी भरा रहता है, जिससे स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा भवन में भरे हुए पानी को बाल्टी व अन्य सामग्री से निकालना जाता है, जिससे अस्पताल में कई बार जहरीले जीव जंतु घुस चुके आते हैं। लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा नया भवन बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलर गांव के चारों ओर ही अहाता निर्माण नहीं हुआ है, जिससे असामाजिक तत्वों का हमेशा जमावड़ लगा रहता है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बेलर गांव स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है। ये अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की कमी है, साथ ही स्टाफ नर्स ड्रेसर भी बहुत ज़रूरी है। बेलर गांव बस्तर सीमा से लगता हुआ है, दूर दूर के लोग भी बेलर में इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। स्टाफ पूरा नहीं होने के कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहता है। 5,000 से भी ज़्यादा आबादी वाले गांव बेलर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक ही डॉक्टर लोगों का मसीहा कहलाने वाला है। डॉक्टर एस के नागा के भरोसे बरसों से यह अस्पताल चल रहा है। यह अस्पताल में माह में करीब 10 से 20 डिलीवरी होती है, लेकिन महिला डॉक्टर नहीं होने के कारण बहुत लोग डिलीवरी करवाने के लिए धमतरी रायपुर नगरी चले जाते हैं, जिससे कमज़ोर वर्ग के लोगों का इलाज करवा महंगा पड़ता है। इस पर शासन प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीबों को कहीं आसपास इलाज करवाने के लिए भटकना ना पड़े। इसलिए हम ग्राम पंचायत से एक प्रस्ताव लिखकर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, जो जर्जर स्थिति है, जो बरसात के दिन में जो पानी है टपकता है, और जिसे हम पंचायत की ओर से हम उप स्तरीय पर हम लिखे हैं आवेदन और प्रस्ताव भी दिए हैं कि उसको जर्जर है भवन उनको बनाया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलर गांव का ये भवन तो 30-35 साल हो गया है, और बरसात के दिनों में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऊपर से पानी टपकता है और क्या कहते हैं, इसका मरम्मत भी कई बार ऊपरी छत का टपकने का प्लास्टर किया गया है, पर भी सीपेज आना बंद नहीं होता है। तो बरसात में थोड़े मरीजों को दिक्कत होती है और जगह की भी कमी है, थोड़ा ओपीडी और इंडोर, और उसके बाद उसके पीछे जिस भवन के पीछे में और दूसरा भवन है उसमें भी पानी टपकता है। सर यहाँ कितने स्टाफ हैं? हमारे यहाँ एक तो मेडिकल ऑफिसर एक है, एक तो अभी स्टाफ नर्स की पोस्टिंग हुई है, अभी आई है वो, और ड्रेसर की कमी है, एक आर एम ए है, एक ड्रेसर है, एक आध दो स्टाफ नर्स और आवश्यकता है, क्योंकि इसको 24/7 में लिया गया है। सर ये मतलब यहाँ क्या बोलते हैं, महिला डॉक्टर का तो शासन के ना शासन के मांग कर। सियावा नगरी से मनीष सैन की रिपोर्ट।